हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राइब टूल बॉक्स में। फिर वीडियो लेकर के आज का वीडियो दोस्तों पूरा ये सुबह का वक्त है और दोस्तों हमारे यहाँ सुबह सुबह पूरा बारिश शुरू हो गया है दोस्तों। ठीक है, छह बजे से शुरू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। ठीक है, हम सोचे कि बारिश थोड़ा कम हुआ, चले ब्लॉग को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही हवा बह रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखना, आज का ये वीडियो पे क्या क्या आने वाला है आप लोग जरूर देखें। ठीक है, वीडियो भी काफी बढ़िया बनने वाला है। ठीक है, चलो के साथ वीडियो को तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा लंच। ठीक है, ये पोटल और आलू का ग्रेवी और ये मैंगो साग भाजी थोड़ा और ये करेले का भाजी और ये पानी बोतल। ठीक है, तो चले जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद बहुत सारा काम है और भूख भी बहुत लग रहा है, टाइम भी बहुत हो चुका है। A few moments later. दोस्तों खाना वगैरह खा के सोए हुए थे। ठीक है, हमारा प्लानिंग और कुछ था दोस्तों, अभी शाम के 4 बज रहा है। ठीक है, और देख सकते हो दोस्तों बहुत ही ज़ोर से हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, हमारा प्लान को कैंसिल कर दिया। बहुत सारे काम करवा मतलब करना था, तो वह सब हम लोग कल दिखाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं इतना ज़ोर से बारिश हो रहा है। देख सकते हो तो पानी कितना जोर से बह रहा है, बहुत ही जोर से बारिश हो रहा है और हमारे घर के अंदर दोस्तों बारिश भी गिर रहा है। ठीक है, हमारे बेड के ऊपर बारिश गिर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा इसको दे देंगे। ठीक है, देखिए कितना पानी जा रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये नेक्स्ट डे है। ठीक है दोस्तों, कल वीडियो वगैरह बनाए थे, मतलब आधा सुधार बनाए थे, कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इतना बारिश हुआ कि मतलब लाइन भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बहुत ही जोर से कल दोस्तों मतलब हमारे यहाँ बारिश हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से हाँ बहुत ही हवा वगैरह दे रहा था ना, और करंट भी नहीं मतलब आ रहा था। ठीक है, आ रहा था जा रहा था, तो इस वजह से दोस्तों वीडियो भी आप ठीक से बना नहीं पाए। ठीक है, तो चले दोस्तों कल का वीडियो को आज हम पूरा करने वाला है। ठीक है, तो चले आप वीडियो पे बनी रहिए। ठीक है, दोस्तों हम जो काम करने वाले हैं वो है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पूरे पकड़े हैं, उस दिन जो कड़ी बनाए थे तो उसका दोस्तों कुछ हिस्सा रह गया था। ठीक है, ये दोस्तों क्या कहते हैं हमारे भाषा में खम्बाड़ू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे ये लता वगैरह निकल गया है। ठीक है, बारिश का पेड़ निकल गया है, बारिश का मतलब सीजन थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, उसी वजह से ये भी उगने लगा है। ठीक है, तो दोस्तों अपने आप उगने लगा है, मतलब मिट्टी भी नहीं है, घर पे रखे थे तो ये ऐसे ही उगा। देखिए ये नया वाला लता है दोस्तों, इसी को आज हम थोड़ा ये काटेंगे, उसके बाद दोस्तों इसको लगाने वाला है। ठीक है, तो चलो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये रहा पूरा बिना मिट्टी है, कितना बड़ा ये लता उग गया है। देखिए घर पे रखे हुए थे, आज निकले हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़े पे काट के उसको लगाएंगे जमीन पे। ठीक है, ये और भी बड़ा हो जाएगा और फिर खाने लायक हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पूजा जी, वो उसका क्या कहते हैं जो चीज़ को हम लगाएंगे जमीन पे, उस चीज़ को काट के अलग करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, बस हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये एक ठू और वहां से एक ठू आ जाएगा।
तो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ये सबको इतना हमने काट लिया है, इसको अब हम लगाएंगे। ठीक है देखिए दोस्तों कितना बढ़िया तरह से निकल रहा है, इसको भी लगाएंगे। चलिए ये आलू एक साल तक ऐसे ही जिंदा रह सकता है, मतलब बिना मिट्टी के भी ये दोस्तों जिंदा रह सकता है। रख लो, वो ऐसे ही रहता है, कुछ भी नहीं होता। कितना गड्ढा कर, हाँ थोड़ा ज्यादा ही कर लो। इधर का मिट्टी थोड़ा नरम है तो इसमें ना मतलब अंदर तक जा सकता है वो आलू, उसका जो ये नीचे ऐसा होता है। और अब तो देख सकते हैं यहाँ पे पूजा जी रुपया क्या कहते हैं, हाँ लगा रहे हैं वो खम्बा आलू का पेड़ को। ठीक है इसको ऐसे अगर अंदर में ही मतलब उसके ऊपर मिट्टी रख देंगे फिर भी वो निकल जाएगा। अच्छा ठीक है फिर। कितना देर रहा? दो हाँ ओके दे दो। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया तरह से लगा लिया है, और उसका देखिए नया वाला था कितना बढ़िया लग रहा है। और एक वहाँ पे और ये वाला है दोस्तों लास्ट है। पानी नहीं देंगे थोड़ा, पानी मिट्टी गिला दोस्तों इस वजह से पानी नहीं दे रहा है। ठीक है बड़ा तरह से काम दोस्तों हो गया है। हाँ दोस्तों फाइनली ये काम भी बड़ा तरह से हमने खत्म कर लिया। तो ठीक है दोस्तों हमें देख सकते हैं कितना पसीना पसीना हो गया। ठीक है मतलब बहुत ही गर्मी हो रहा है दोस्तों हमारी यहाँ, मतलब तो नहीं दे रहा बस गर्म ही है जैसे वो जो बारिश निकलता है भाप निकलता है, बारिश और वो जो धूप का मिलावट से जो वेदर पैदा हो रहा है ना बहुत ही खतरनाक लग रहा है दोस्तों। तो चले दोस्तों इस वीडियो को ही पे बनाएंगे, और जो कुछ हमने काट के रखा है बचा हुआ है उसको दोस्तों आज हम करी करके मतलब खाने वाला है। ठीक है तो चले दोस्तों छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है और उम्मीद है कि हम लोगों को भी ये जो हमने लगाए हैं वो भी अच्छी तरह से बढ़ेंगे, और अगर मतलब अगले साल इसको फिर हम खोद के करी वगैरह बनाएंगे। ठीक है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए। ठीक है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए। ठीक है तो चलिए रहते हैं सभी को हमारी तरफ से अभी गुड इवनिंग और एडवांस गुड नाइट। ठीक है तो चलिए दोस्तों रहते हैं, बाय बाय और टेक केयर। चलिए रहते हैं।